अपने हक के लिए किया आमरण अनशन। बसंत पंचायत के मुसहरी गांव के रहने वाले हैं हरिशंकर यादव, जो अपनी जमीन को लेकर लगभग 3-4 सालों से काफी परेशान है। इनका कहना है कि सीओ और कर्मचारी मोटी रकम लेकर उनके द्वारा इनके सारे जमीन को गुपचुप तरीके से इनके चाचा को लिखा रही है। अपनी जमीन को लेकर वह पुरनैया शिवहर से लेकर पटना तक चक्कर लगा चुके, लेकिन अभी तक कोई सुनवाई नहीं हुई, जिसके कारण अंत में आकर उन्होंने पुरनैया ब्लॉक गेट पर अपने पूरे परिवार के साथ अनिश्चित काल के लिए आमरण अनशन पर बैठे हुए हैं। और साथ ही साथ उन्होंने कहा कि अगर उनको इंसाफ नहीं मिला तो वह अपने पूरे परिवार के साथ साथ अपने भी प्राण त्याग कर देंगे। व्यवहार रहेगा तो आम पब्लिक आपसे नाखुश हो जाएगा, आम पब्लिक आपसे जब नाखुश होगा तो आपका पोस्ट यहाँ किस लिए रहेगा? छोड़ दीजिए पुरनैया वीडियो सीओ कर्मचारी का पोस्ट खाली, हम लोग अपना ग्रामीण स्तर पर जो भी हमारा पैतृक संपत्ति है, हम लोग अपना भाई अपना बाबा अपना चाचा के बीच में अपना ग्रामीण के बीच में बैठकर बंटवारा कर लेंगे कि दू धूर मेरा है, चार दूर आपका है, आपका नहीं चाहिए हमको कोई अति। इसलिए कि आज मैं बहुत व्याकुल हूँ, और वैसे कर्मचारी जो खुलेआम मैं कहता हूँ शैलेंद्र सिंह, उस पोस्ट पर मैं था 2012-13 में, मैं कर्मचारी का काम किया हूँ पुरनैया ब्लॉक में, और पूरा वस्तु स्थिति मैं सुधारा था। आज अगर आप देखना है तो चलिए मैं लाइव आपको दिखाता हूँ उस ऑफिस का हाल। जिस सांख्यिकी डिपार्टमेंट में आप घुसिएगा तो लगेगा कि कचरा का भंडार रखा हुआ है, किसी का कोई रिकॉर्ड नहीं मेरे कर्मचारी महोदय के पास है। कोई खतियान का रिकॉर्ड अगर जाइएगा, जिसका जमीन अभी हम आपको सबूत देते हैं कि जो जमीन आज मेरा है, मैं रजिस्ट्री आज कराया, 10 दिन के बाद अगर ये कराए तो हमको दाखिल खारिज नहीं करके जमीन मात्र दूर दूर है रास्ता के लिए लिया गया, कि दूर दूर जमीन मैं रास्ता के लिए लेता हूँ। और वैसे जमीन को पहले मैं रजिस्ट्री कराया तो हमको दाखिल खारिज रसीद न काट करके